बैक टू माय चैनल आज मैं आपको न्यू मार्केट का बिल्कुल लेटेस्ट कलेक्शन दिखाने वाली हूँ क्योंकि आप सबकी डिमांड आ रही थी कि मैम अभी न्यू मार्केट में किस शॉप पे किस तरीके का कलेक्शन अवेलेबल है सो so, मैंने कोशिश की है कि मैं वो शॉप्स एक्सप्लोर करूँ जहाँ पर अभी कुछ न्यू वैरा आपको देखने को मिल जाएगी एंड बहुत ज्यादा क्राउडेड है न्यू मार्केट में इवनिंग टाइम पर तो आप बेस्ट है कि अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप डे टाइम पर विजिट कीजिए दोपहर एक बजे के अप्रॉक्स सारी शॉप्स ओपन हो जाती हैं और रात को दस साढ़े बजे तक मार्केट अभी ओपन है और अगर आप छः बजे के बाद जाते हैं तो काफी ज्यादा क्राउड देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको काफी ज्यादा बड़ी झांकी देखने को मिलेगी एंड इस चैनल पर आप पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए कमेंट करके जरूर बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मैं एंटर हुई थी गेट नंबर टू से तो स्टार्टिंग में आपको कुछ इस तरीके के झांकी देखने को मिल जाएगी स्टार्टिंग से ही आपको झांकी का पूरा देखने को मिलेगा अगर आपको झांकी वगैरह घूमनी है तो आप थोड़ा जल्दी जाइएगा और बहुत ज्यादा अच्छी झांकी होती है यहाँ पर हर बार कुछ ना कुछ न्यू लगता है उसी के आगे आपको क्वालिटी रेस्टोरेंट मिल जाएगा बट इवनिंग टाइम पे आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है पार्किंग में सो so, आप स्मार्ट पार्किंग में भी आप गाड़ी लगा सकते हैं जो कि गेट नंबर वन के पास मिलेगी आपको बट मैं एंटर हुती गेट नंबर टू से तो जो शॉप मैंने एक्सप्लोर की है वो आपको नियर बाय गेट नंबर टू से ही नियर बेस्ट पड़ेंगी स्टार्टिंग में जैसे ही आप गेट नंबर टू से एंट्री लेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरीके के टेराकोटा वाले विंग चें्स वगैरह देखने को मिलेंगे एंड इस तरीके के भैया लोग काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे पूरे मार्केट में इनके पास स्टार्टिंग आपको वन फिफ्टी से हो जाती इजीली ये लोग बार्गेनिंग कर लेते हैं इनके पास अभी तोहरन वगैरह अवेलेबल नहीं है इस तरीके की लड़ियाँ वगैरह बहुत अच्छी हैं एंड इस बार कुछ न्यू आया ये बेल में थोड़ी लाइट वगैरह मिल जल रही है सेल से जलेगी ये लाइट काफी अच्छी लग रही थी ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था ये पूरा पेयर आपको मिल जाएगा अप्रॉक्स उन्होंने टू बताया है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बार्गेनिंग कर सकते हैं कुछ शॉप्स होती हैं यहाँ पर भी जिसपे आपको फिक्स प्राइस मिलेगा अदरवाइज जहाँ आपको लगे वहाँ आप अपने अकॉर्डिंग बार्गेनिंग कर सकते हैं जहाँ पॉसिबिलिटी हो ज़्यादातर वैसे यहाँ पर शॉप्स आपको फिक्स प्राइस की मिलेंगी एंड काफ़ी ज़्यादा फेमस एंड बहुत ट्रेंडिंग मार्केट है ये भोपाल का सो so, यहाँ पर आप ज़रूर विजिट कीजिएगा एंड इस बार ना कुछ न्यू शॉप्स मैंने एक्सप्लोर की हूँ तो वीडियो को आप पूरा कम्प्लीट देखिएगा एंड अभी मार्केट का लुक बिल्कुल इसी तरीके का है बिल्कुल लेटेस्ट ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सो इस तरीके से शोरूम्स वगैरह में सारा रेड रेड कलर का क्योंकि करवा चौथ आ रहा है तो उस तरीके से आपको ये लीला वाले शोरूम पर कुछ इस तरीके का कलेक्शन मिल जाएगा सो so, बिल्कुल रेड कलर में अगर आपको कुछ लेना है स्टार्टिंग में आपको हरियाणा हैंडलूम के पास राइट हैंड साइड पे ये शॉप मिलेगी इनका कलेक्शन मुझे अच्छा लगा ऑरीगेंजा के दुपट्टे आपको मिल जाएंगे जिसमें गोटा किनारे की लेस भी लगी है वन फिफ्टी के फिक्स प्राइस पर इसमें आपको काफ़ी सारे कलर ऑप्शन एंड डिफरेंट प्रिंट्स एंड डिज़ाइन मिल जाएंगे जो कि अगर आप कभी टू पीस कुछ ले रहे हैं और उसके साथ अगर आप ऑरीगेंजा दुपट्टा कैरी करते हैं तो काफ़ी अच्छा लुक देगा हरियाणा हैंडलूम के जस्ट पास जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप है उसके सामने ये भैया की शॉप मिल जाएगी मंडे के दिन ये भैया की शॉप मे भी आपको नहीं मिले तो कोशिश करिएगा कि आप वीक में जो सिक्स डेज है ना उनमें ही विजिट करें ट्यूसडे से संडे तक मंडे को मार्केट में कुछ शॉप्स क्लोज रहती हैं एंड मेन अगर मार्केट जो मैंने एक्सप्लोर किया है ये आप मंडे विजिट नहीं कीजिएगा इस मार्केट को घूमने के लिए अब ये जो आप देख रहे हैं ये भी काफ़ी अच्छे फुटवेयर का कलेक्शन है जो श्रीमती साड़ी वाले जो लेन है ना उसी के पास भैया की शॉप लगती है जिन्होंने मेरे प्रीवियस ब्लॉग्स देखे उन्हें ये शॉप पता है इनके पास अभी कुछ न्यू कलेक्शन नहीं आया था तो मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया उसके बाद मार्केट में आपको कुछ इस तरीके का कलेक्शन मिल जाएगा मैंने कोशिश की कि जितने डिस्प्ले लगे थे जहाँ पर कुछ न्यू दिख रहा था वो मैं आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि न्यू मार्केट में अभी ऑलमोस्ट उसी तरीके का एथनिक वेयर्स वगैरह भी सब वैसे ही सेम है जो कि नॉर्मली आपको मार्केट में मैंने प्रीवियस ब्लॉग्स में कवर किया था ऐसा कुछ चेंज नहीं है उसके बाद आप बिल्कुल स्ट्रेट आइएगा अगर आपको किड्स वेयर के डेली वेयर कलेक्शन लेना है तो यहाँ पर आपको टू हंड्रेड में मिलेगा टू पीस का सेट जो कि टॉप एंड टाउन बेकर के जस्ट पास आपको ये शॉप मिल जाएगी एंड इनके पास आपको टू हंड्रेड रुपीज प्राइस बता रहे हैं। और ये ही चीज़ आपको चौक बाजार में जो मेरे प्रीवियस ब्लॉग्स हैं उनमें आपको वन फिफ्टी रुपीज में मिल जाएगा वो ब्लॉग भी आप जरूर देखिएगा उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वो मार्केट बहुत रीजनेबल मार्केट होता है यहां पर आपको फिफ्टी रुपीज़ एक्स्ट्रा और ये फिक्स प्राइस इन्होंने बताया कि कोई बार्गेनिंग नहीं करेंगे सेम यही चीज आपको चौक बाजार में वन फिफ्टी रुपीज में मिल जाएगी ये टॉप एंड टाउन बेकर्स के जस्ट नीचे इनकी शॉप थी इनको मैंने फर्स्ट टाइम पर देखा है अब इसी के जस्ट सामने एक भैया की शॉप लगी थी यहां पर आपको काफी अच्छे ट्रेंडिंग ईयर वगैरह का कलेक्शन मिल जाएगा इयर एंड ज्वेलरी इनके पास थोड़ी अच्छी लग रही थी मुझे और इनके पास डिज़ाइंस भी बिल्कुल थोड़े से डिफरेंट थे तो आप यहां पर अगर आपको कोई भी ट्रेंडिंग ईयर लेना है तो यहां पर विजिट करके देख सकते हैं बिल्कुल ऐश्वर्या के जस्ट पास बाहर की तरफ भैया की शॉप लगी थी इनके पास सभी तरीके के एयर आपको मिलेंगे जैसे पार्टी वेयर कलेक्शन लेना है इनका प्राइस उन्होंने थ्री हंड्रेड रुपीज़ थ्री फिफ्टी रुपीज़ ऐसा बताया है ये बार्गनिंग कर लेंगे और भी बहुत सारे डिज़ाइन इनके पास अवेलेबल थे तो इनके पास आपको ऐसे स्टोन वर्क एंड मीनाकारी झुमकी और चांद बालीज ये सभी कुछ आपको मिल जाएगा जंग ज्वेलरी भी मिलेगी एंड इस तरीके के स्टर्ट्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे जिनका अप्रॉक्स प्राइस वन फिफ्टी रुपीज़ है ये जो आप कलरफुल फ्लावर्स देख रहे हैं एंड नॉर्मली इनके पास आपको वन फिफ्टी रुपीज से स्टार्टिंग है एंड थ्री फिफ्टी फोर फिफ्टी तक आपको मिल जाएगी अब बिल्कुल जो न्यू मार्केट के सेंटर में टॉप एंड टाउन के पास जो मंदिर है वहाँ पर आपको इस तरीके के दिए के स्टॉल्स मिलेंगे जो कि आपको टू फिफ्टी रुपीज़ में सिक्स पीस मिल जाएंगे इस पर भी आप अपने अकॉर्डिंग बार्गेनिंग कर सकते हैं करवा चौथ है, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर काफी सारी वैरायटी मिल जाएगी ये थाली छन्नी और आपको ये लोटा मिल जाएगा थ्री फिफ्टी रुपीज की प्राइस पर इस पर भी आप अपने अकॉर्डिंग बार्गेनिंग कर सकते हैं उसी के बाद मुझे ये शॉप मिली थी ये भैया सेल कर रहे थे डोरमेट्स जो कि उन्होंने मुझे पैकेट में से रिमूव करने नहीं दिया क्योंकि उन्होंने बोला कि आप ऐसे ही देख लो तो ये हंड्रेड रुपीज़ के टू पीस दे रहे थे लेकिन अगर आप इनसे कुछ लेते हैं तो चेक कर लीजिएगा ओपन करके क्योंकि ये लोग रिटर्न एंड एक्सचेंज नहीं करते हैं इनकी शॉप भी आपको बिल्कुल मंदिर के जस्ट सामने मिल जाएगी इन्होंने ये बोला है कि ये कोई फिक्स लोकेशन नहीं है बट ये मंदिर के आसपास आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे इनके पास ये वाला जो डोरमेट का कलेक्शन था ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था बट जो भी आप लें अच्छे चेक कर लें उसके बाद ही लें क्योंकि ये जो शॉप्स है ना जो मैं अभी दिखा रही हूँ आपको ये वाली शॉप ये भी मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी और हो सकता है कि फेस्ट ऑफ सीजन है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ कलेक्शन लगाया हो तो रिटर्न एंड एक्सचेंज कुछ भी नहीं होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा केयरफुली शॉपिंग कीजिएगा एंड अपने मोबाइल एंड वॉलेट का काफी ध्यान का रखिएगा क्योंकि अभी मार्केट में है काफ़ी ज्यादा क्राउड तो आप सेफली शॉपिंग कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर मार्केट में विजिट करें आप बट आप अपने मोबाइल्स एंड वॉलेट्स का ध्यान जरूर रखें उसके बाद कुछ ऐसे बैग्स तो आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे मार्केट में ये वाला बैग वन ट्वेंटी रुपीज़ का था जैसे कि ऑफिस ऑफिस में टिफ़िन वगैरह ले जाना हो तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है ये वाला भी वन ट्वेंटी रुपीज़ में आपको मिल जाएगा ये भैया के पास टू फिफ़्टी रुपीज़ मैक्मम प्राइज़ है एंड कुछ फ़ोर फिफ्टी के भी हैं बट वो काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ के हैं ये वाला बैग मुझे अच्छा लग रहा था ये उनका प्राइस उन्होंने वन एटी रुपीज़ बताया था अब उसी के सामने ही आपको एक और शॉप मिलेगी ये सारी शॉप्स ना नियर बाय मंदिर के पास ही आपको मिलेंगी सो यहाँ पर आप ज़रूर विजिट कीजिएगा कुछ न्यू न्यू शॉप्स आपको मिलेंगी अभी नवरात्रि दिवाली के अप्रॉक्स ये सारा रेंज आपको मिल जाएगी टू हंड्रेड रुपीज़ की प्राइस रेंज पर बट मुझे ये वन फिफ्टी की प्राइस रेंज की लग रही थी और वो फिक्स प्राइस बोल रहे थे कि नो मैम ये हमारा फिक्स प्राइस है इस पर हम कोई बार्गनिंग नहीं करेंगे बट इस पर मुझे कुछ पीसेस ऐसे लग रहे थे जैसे ये वाला ये मुझे वन फिफ्टी के अप्रोक्स लग रहा था कि ये शायद मैंने चौक बाजार में देखा है वन फिफ्टी में ये वाला टू हंड्रेड रुपीज़ जिन्होंने फिक्स बताया है सारी फूडवेयर का तो आप देखिएगा यहाँ पर फूडवे की भी इस तरीके के स्टॉल्स तो यहाँ पर मार्केट में काफी सारे और भी आपको मिल जाएंगे और मैं भी आपको आगे और दिखाऊंगी अब यहाँ पर आपको उसी के थोड़ा से ही आगे आपको इस तरीके के लहंगा चुनी एंड दुपट्टे वाला कंसेप्ट जो आपको देखने को मिलता होगा न्यू मार्केट अगर आप जा रहे हैं तो इनके पास आपको ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज़ से स्टार्टिंग है इसमें आपको लहंगा चुनी और दुपट्टा सब कुछ आएगा थ्री पीस का सेट रहेगा ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज़ में ये बार्गेनिंग कर लेते हैं बट इनसे भी अगर आप कुछ ले रहे हैं तो आप अच्छे से चेक कर लें उसके बाद ही लें अब इस तरीके की तोहरन और लड़ियों वाली और टेराकोटा वाले विंग चेंज वगैरह की भैया लोग भी काफ़ी सारे आपको मिलेंगे एंड बहुत सारा होम डेकोर की भी शॉप्स आपको मिल जाएंगी नियर बाय मंदिर ये मंदिर है न्यू मार्केट के बिल्कुल सेंटर में टॉप एंड टाउन के पास उस तरीके का लोकेशन आपको मैं इसलिए समझा रही हूँ कि आपको सारी शॉप्स इसी के आसपास बहुत सारी न्यू शॉप्स देखने को मिलेंगी जो सिर्फ साल में एक बार ही देखने को मिलती हैं और अभी जैसे जैसे दिवाली करीब आ रही है और शॉप्स कुछ कुछ न्यू न्यू देखने को मिलेंगी तो विजिट ज़रूर कीजिएगा आप यहाँ पर एक सन की शॉप थी इनके सन काफ़ी अच्छे लग रहे थे और अभी ये तिल दिवाली इसी लोकेशन पे आपको मिल जाएंगे इनके पास स्टार्टिंग अप्रॉक्स 150 से है बट जो 150 अगर वो प्राइस बता रहे हैं तो ये लोग बागन करके 100 रुपीज़ में आपको 80 रुपीज़ में सन मिल जाएगा सो तो यहाँ पर आप सन वग़ैरह भी देख सकते हैं अब उसी के जस्ट साइड में ही आपको थोड़ा सा विंटर कलेक्शन जो कि सरोजनी नगर दिल्ली का जो कलेक्शन होता है वो अब भोपाल में आपको मिल जाएगा विंटर्स के लिए हंड्रेड रुपीज़ में बट आप ये भी चेक करके लीजिए क्योंकि इसमें भी आपको रिटर्न एंड एक्सचेंज नहीं होता है तो इस तरीके का कलेक्शन अभी मार्केट में अभी आना स्टार्ट नहीं हुआ है बट ये शॉप मुझे मिल गई थी तो मैंने आप लोगों तक पहुँचाई कि अभी विंटर्स वाला कलेक्शन आना शुरू हो गया है बट अब धीरे धीरे अभी दिवाली के अप्रॉक्स और आ जाएगा बट यहाँ पर ये हंड्रेड रुपीज़ में काफ़ी सारे ये विंटर्स स्वेट वगैरह टॉप्स वगैरह मिल रहे थे जो कि आप देख सकते हैं मुझे तो ज़्यादा फ्रेश नहीं लग रहे थे बट अगर कोई भी लेता है तो वो चेक करके ले अच्छे से सेटिस्फाइड से हो तो लीजिए अदरवाइज़ आप इनको अवॉइड भी कर सकते हैं ये देख सकते हैं काफ़ी सारे इसमें और भी बहुत सारे इनके पास पैटर्न्स एंड थे तो आपको इस तरीके की शॉप्स और बहुत सारी मिलेंगी जैसे जैसे विंटर्स आना स्टार्ट हो जाएगा अब उसके बाद मुझे ये शॉप मिली थी इनको भी मैंने फर्स्ट टाइम देखा है एंड ये थ्री हंड्रेड रुपीज़ में आपको टू पीस का सेट दे रहे थे ये वाला बहुत अच्छा लग रहा था बट इनके पास इश्यू ये कि एक्सल साइज तक आपको थ्री हंड्रेड में मिलेगा सो so, बहुत अच्छा फैब्रिक था इसका कॉटन पर है और ये नेक पर गोटा किनारी की लेस मिल जाएगी एंड ये पैंट भी आपको साथ में आएगा क्राउड इतना था कि वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था इस स्टॉल पे एंड इनके पास कलेक्शन काफ़ी अच्छा था तो यहाँ पर तो आप ज़रूर विजिट कीजिएगा बट ये भैया बहुत अच्छे थे जितने पीसेस मैंने दो से तीन पीस बोला उन्होंने मुझे दिखाए सो so, आप यहाँ पर बिल्कुल मंदिर के ऐश्वर्या शोरूम के जस्ट पास आप इनकी शॉप देख सकते हैं थ्री में टू पीस है और अगर वन पीस गाउन लेंगे रेउन फैब्रिक का तो टू फिफ्टी में आपको मिल जाएगा तो so यहाँ पर आप ज़रूर से विजिट कीजिएगा और ये सब फ्रेश थे कोई यूज़ नहीं है इसमें एंड क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे हैं इनका एक और जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ ये स्लीवलेस पैटर्न ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था अगर इसमें स्लीव्स होती तो मैं इसको ज़रूर बाय करती बहुत प्यारा था इसका फैब्रिक मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था एंड ये जो गरारा पैटर्न था ना इसमें घेर भी बहुत सारा है यानी बहुत अच्छा लगेगा वेयर करने पे टू पीस है बट आप इस पर नॉर्मली कोई भी दुपट्टा वेयर कर सकते हैं अगर आपको लेना है दुपट्टा तो बहुत अच्छा था यहाँ पर आप एक बार विजिट करके देखिएगा टू पीस एंड वन पीस के लिए और इनके पास ना प्लस साइजेस भी हैं जो कि आलिया कट पर है और वो आपको फोर फिफ़्टी में मिल जाएंगे वो भी टू पीस में थ्री पीस में इनके पास कलेक्शन अभी नहीं है बट वो लेकर आएंगे और इनकी लोकेशन आपको यहीं पर मिलेगी टिल दिवाली उसके बाद ये कहाँ लगाएंगे इसका कोई आइडिया नहीं है और फिर हम आगे एक्सप्लोर करते रहेंगे इन भैया को सो so आप टिल दिवाली यहाँ पर विजिट करके देख सकते हैं ये शॉप भी मुझे फर्स्ट टाइम भी इसी लोकेशन पर मिली मंदिर के पास ना इस बार बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी आपको तो यहाँ पर टू में ऐसे ऑफिस वाले बैग्स बहुत अच्छे मिल रहे थे तो यहाँ पर भी आप विजिट करके देख सकते हैं जिनको अगर ऑफिशियल बैग्स या थोड़े बड़े साइज़ के बैग्स लेना है जिनकी क्वालिटी अच्छी है कोई बुरी क्वालिटी के नहीं थे सब फ्रेश पीसेस हैं सब टू फिफ्टी में अगर आपको थोड़ा छोटा स्मॉल साइज़ का बैग लेना है तो वो भी मिल जाएगा टू फिफ्टी में टू फिफ़्टी फिक्स प्राइस है इस पर वो कोई बार्गनिंग नहीं करेंगे ये भी बहुत अच्छा लग रहा था इसी तरीके के पैटर्न काफ़ी सारे थे बट क्राउड होने की वजह से मैं थोड़ा कम एक्सप्लोर कर पाई इनके बैग्स ये भी बहुत प्यारा लग रहा था इसमें कलर ऑप्शन भी अवेलेबल थे एंड डिफरेंट डिज़ाइन और भी आपको इसमें मिल जाएंगे सो यहाँ पर आप मंदिर के पास ना विजिट जरूर कीजिएगा और इनकी एक प्रॉक्स दो से तीन बजे तक लग जाती हैं तो आप विजिट कर सकते हैं इजीली मैं थोड़ा इवनिंग टाइम पे गई थी क्योंकि काफी ज्यादा धूप हो रही है अभी दोपहर के टाइम पर तो आप इवनिंग में भी जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ये भी आपको टू फिफ्टी के बैग्स हैं इसमें काफ़ी सारे डिज़ाइन एंड बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न आपको मिल जाएंगे सिर्फ आपको ढूंढना रहेगा कि कौन सा पैटर्न आपको पसंद आ रहा है तो यहाँ पर ऐसे बैग्स एंड सभी में कलर ऑप्शंस भी आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे फैब्रिक क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे थे अब उसी के आगे आपको जो मनोहर डेरी वाली जो लेन है ना उसी लेन में ना आपको एक शॉप मिल जाएगी लेफ्ट एंड साइड पर तो यहाँ पर काफी अच्छी फुटवेयर्स का कलेक्शन था थ्री फिफ्टी रुपीज़ में ये भैया थोड़ी बहुत बाग कर भी लेंगे और मे बी नहीं भी अगर आप दो पीस लेंगे तो मे बी वो कर लें अदरवाइज उन्होंने थ्री फिफ्टी रुपीज़ फिक्स बताया है ये फ्लैट्स वाली आपको टू हंड्रेड में मिल जाएंगी जितनी फ्लैट्स हैं वो सारी टू हंड्रेड में एंड जो हील्स हैं वो थ्री फिफ्टी में हैं इनके पास काफ़ी अच्छे डिजाइन आपको मिल जाएंगे फ्लैट्स में भी बहुत सारे डिजाइन अवेलेबल है लेकिन मार्केट में काफ़ी क्राउड है तो अभी ब्लॉग बनाना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था इस बार मुझे बहुत क्राउड है मार्केट में तो आप लोग भी विज़िट कीजिएगा मार्केट में एंड बहुत अच्छी शॉप्स भी आपको मिलेंगी एंड ये मैंने कोशिश की कि न्यू न्यू शॉप्स आप तक पहुँचाऊँ कि कहाँ पर क्या मिल रहा है ये फ्लैट भी बहुत अच्छी लग रही थी टू का इसका भी प्राइस उन्होंने बताया था इसमें कलर ऑप्शन आपको सिंगल ही मिलेगा ये वाली आपको फाइव फिफ्टी उन्होंने प्राइस बताया इस पर थोड़ा बहुत बार्गेनिंग आप कर सकते हैं शूज़ वगैरह भी आपको मिल जाएंगे स्टार्टिंग थ्री हंड थ्री से है और जैसा डिज़ाइन आप पसंद करेंगे उसी के अकॉर्डिंग प्राइस रहेगा बट स्टार्टिंग थ्री फिफ्टी रुपीज़ से फ्लैट्स में भी इनके पास काफ़ी सारी वैरायटी एंड डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएंगे सो फुटवेयर्स वगैरह भी आप यहाँ पर भी विजिट करके देख सकते हैं इनके पास थोड़े से डिफरेंट कलेक्शन भी अवेलेबल थे हील्स में अब इनकी शॉप आपको जे हिंद प्रोटीन्स एंड अग्रवाल ड्राई फ्रूट्स के जस्ट सामने मिल जाएगी ये इनकी शॉप है तो आप यहाँ पर विजिट करके देख सकते हैं अब यहाँ पर आपको ऐसी शॉप्स ना साड़ियों की टू हंड्रेड में और फाइव हंड्रेड रुपीज में थ्री साड़ियों का कलेक्शन बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी इनमें ब्लाउज नहीं रहता है बट अगर आप इनसे शॉपिंग कर रहे हैं साड़ियों की तो आप देख लीजिएगा कि आपको अच्छी लग रही है आप कंफर्टेबल हो तो आप लीजिए नहीं तो इन्हें भी अवॉइड कीजिएगा ये टू हंड्रेड रुपीज़ में सिंगल पीस सेल कर रहे थे और सब फ्रेश पीस थी इनमें लेकिन ब्लाउज़ नहीं है टू हंड्रेड रुपीज़ का फिक्स प्राइस रहेगा और आप तीन साड़ियाँ लेते हैं इनसे तो ये आपको फाइव हंड्रेड रुपीज़ में दे देंगे तो इस तरीके के इनके पास काफ़ी सारी साड़ियों के डिज़ाइंस थे सभी तरीके की साड़ियाँ आपको मिल जाएंगी तो यहाँ पर आपको ऐसी शॉप्स ना न्यू मार्केट में काफ़ी सारी मिलेंगी एंड जैसे जैसे दिवाली आएगा तो आपको मंदिर के पास भी तीन से चार शॉप तो ऐसी मिल ही जाएंगी और इनके पास काफी सारी वैरायटी थी बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन भी थे डिज़ाइन्स तो काफी अच्छे लग रहे थे बट आप लोग जो भी ओपन वगैरह करके देख सकते हैं अगर वो करवा दें वैसे उन्होंने बोला है कि वो ऐसे ही देंगे बट आप ओपन करवा के देखिए उसके बाद ही आप लीजिएगा ये गर्ल्स गैलरी के जस्ट सामने आपको इनकी शॉप लगी मिल जाएगी इन फ्रंट ऑफ मनोहर डेयरी अब मनोहर डेयरी के थोड़ा सा आगे ही आपको ये शॉप और मिलेगी यहाँ पर ना मुझे काफ़ी अच्छे शर्ट्स पैटर्न लग रहे थे जिसमें क्रॉप टॉप एंड लॉन्ग शर्ट्स दोनों थी टू फिफ्टी रुपीज से स्टार्टिंग है अप्रॉक्स थ्री फिफ्टी रुपीज़ तक इनकी रेंज में काफ़ी सारे इनके पास कलेक्शन मिल जाएगा एंड यहाँ पर आपको विंटर कलेक्शन भी मिलेगा वो भी आपको दिवाली के बाद तो यहाँ पर विंटर कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है तो आप यहाँ पर विजिट करके देखेगा इनके पास शर्ट्स के पैटर्नस काफ़ी अच्छे थे ये क्रॉप टॉप्स भी बहुत प्यारे लग रहे थे थ्री फिफ्टी रुपीज़ की प्राइस रेंज पर है यह फ़िक्स है इस पर कोई बार्गेनिंग नहीं करेंगे वो ऐसे क्रॉप टॉप्स आपको विंटर वाले कलेक्शन में भी बहुत अच्छे मिल जाएंगे इनके पास यानी इनके पास अप्रॉक्स आपको विंटर कलेक्शन बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा सो विजिट कीजिएगा क्रॉप टॉप लेना है शर्ट पैटर्न में तो भी आप यहाँ पर विजिट कीजिएगा काफ़ी अच्छी शॉप थी इनके पास लॉन्ग में भी आपको बहुत सारी वेराइटी मिल जाएगी बट इनके पास कलेक्शन अच्छा है तो आप लोग ज़रूर से विजिट करेंगे वाली शॉप पर भी अगर आपको इस तरीके से कुछ भी क्रॉप टॉप वगैरह लेना है ये भी बहुत प्यारा लग रहा था ये भी अप्रॉक्स टू फिफ्टी थ्री थ्री फिफ्टी रुपीज की प्राइस रेंज पर था लोकेशन आप देख सकते हैं ये मनोहर डेरी एंड सामने बिल्कुल फेमस इमरती और कचोरी की शॉप के साइड में ही आपको ये शॉप मिल जाएगी कॉर्नर की शॉप है ये बहुत ही अच्छा था ये भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा था शॉर्ट क्रॉप टॉप्स का कलेक्शन है इनके पास आपको लॉन्ग टॉप्स भी मिल जाएंगे सो so, आप यहाँ पर इस तरीके के टॉप्स वगैरह देख सकते हैं फैब्रिक क्वालिटी वाइज भी ये बहुत अच्छे थे एंड प्राइस रेंज भी नॉर्मल थी थ्री फिफ्टी एंड टू फिफ्टी फ़िक्स है इस पर कोई इसमें भैया बार्गनिंग नहीं करेंगे एंड कुछ टू हंड्रेड वाले भी थे वो कि आपको छड़ियाँ यहाँ पर बहुत सारी लगी इनके पास तो आप यहाँ पर जब अगर विज़िट कर रहे हैं तो देख सकते हैं अब उसी के आगे मुझे एक और शॉप मिली जो कि राइट हैंड साइड पर मिलेगी आपको ये वाली फुटवेयर काफी ज्यादा ट्रेंड में है जूट पैटर्न पर रहेगा इसमें थ्री कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे ये टू फिफ्टी रुपीज के प्राइस रेंज पर है ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी इसमें आपको थ्री कलर ऑप्शंस मिलेंगे एंड दो पैटर्न मिल जाएंगे सेम ही डिज़ाइन में जो कि दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे थे ये सारी रेंज इनके पास बिल्कुल न्यू आया है कलेक्शन एंड इन भैया के पास आपको हर बार कुछ ना कुछ पैटर्न न्यू ही देखने को मिलेंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी मुझे इनके यहाँ की फुटवेयर्स एंड कम्फर्टेबल फुटवेयर्स का कलेक्शन था इनके पास एक पैटर्न आपको इस तरीके का मिलेगा जो आपको कम्फर्टेबल लगे वो आप बाय कर सकते हैं फिक्स प्राइस रहेगा टू फिफ्टी रुपीज तो so, यहाँ पर आपको 250 में काफ़ी सारी वैरायटी मिल जाएगी एंड स्लीपर्स वगैरह भी इनके पास मिल जाती हैं बहुत सारी शॉप्स हैं तो आप यहाँ पर विजिट करके देखिएगा एंड इनकी शॉप पर बिल्कुल हटकर मिल जाएगा कुछ ना कुछ कलेक्शन एक आध दो तो पैटर्न्स तो इनके पास बिल्कुल न्यू पैटर्न्स रहते हैं तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं वैसे सभी ज़्यादातर इनके पास टू फिफ्टी के प्राइस रेंज पर हैं तो अगर आपको लग रहा है इनमें से कुछ भी बाय करना है तो यहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं बहुत अच्छी रेंज इनके पास अभी अवेलेबल है ये पैटर्न तो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था एंड इस तरीके इनके पास शूज वगैरह भी अवेलेबल हैं। लोकेशन के लिए आपको राजा वूल हाउस के जस्ट साइड में आपको इनकी शॉप मिल जाएगी और ये मनोहर डेरी वाली लेन में ही आपको मिल जाएगा तो आप यहाँ पर विजिट करके देख सकते हैं आप बिल्कुल कॉर्नर पे हरियाणा हैंडलूम के जस्ट सामने आपको ऐसे होम डेकोर की भी शॉप मिल जाएगी यहाँ पर आपको आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह मिल जाएंगे इनके पास आपको हंड्रेड रुपीज़ से स्टार्टिंग है पॉट्स वगैरह की जो कि नीचे की साइड रखे हैं इसमें थोड़ा बड़ा साइज़ लेते हैं जैसे कि आप अगर ये लेते हैं तो ये वन फिफ्टी का रहेगा और इसमें अगर थोड़ा स्मॉल साइज अगर आप लेते हैं तो वो हंड्रेड रुपीज़ की प्राइस रेंज पर रहेगा सो इस तरीके से यहाँ पर आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह देख सकते हैं बहुत सारी वेराइटी आपको मिल जाएगी कलर ऑप्शन मिल जाएंगे एंड डिज़ाइन मिल जाएंगे ये वाला आपको हंड्रेड रुपीज़ प्राइस पर पर देखने को पर मिल जाएगा। एंड आज का हमारा ब्लॉग कंप्लीट होता है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा एंड चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर डे बाय